ईश्वर के प्रति आस्था विश्वास और पति के प्रति प्रेम समर्पण का पर्व करवा चौथ बुधवार को हर्षोल्लास से मनाया गया। सुबह से निर्जला व्रत रख महिलाओं ने 16 श्रृंगार किया और रात को चांद की पूजा कर पति के हाथों पानी पीकर व्रत खोला। इसके पूर्व शहर में अनेक आयोजन भी हुए। इसी कड़ी में वैष्णव धाम मंदिर में हुए विशेष आयोजन में डिजियाना ग्रुप के निदेशक श्रीमती किरण कौर घुम्मन और श्रीमती पूनम घुम्मन बतौर अतिथि शामिल हुई। इंदौर शहर में सभी पर्व उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। फिर बात करवा चौथ जैसे पर्व की हो तो इस दिन शहर की रौनक निहारने लायक होती है। इस दिन शहर में करवा चौथ से जुड़े अनेक आयोजन होते हैं जिसमें महिलाओं की भागीदारी भी पर्व को खास बना देती है। इंदौर के श्री वैष्णव धाम मंदिर में जागृति महिला मंडल द्वारा हर साल करवा चौथ से जुड़ा आयोजन किया जाता है जिसमें मंडल की महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। इस बार भी करवा चौथ मंदिर में परंपरा अनुसार सेलिब्रेशन का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में नृत्य नाटिका सहित अनेक प्रस्तुतियां दी गई। मैं बढ़िया तू भी बढ़िया पर मैं आजाद हूँ चिड़िया रख तू अपनी फुलझड़ियाँ बढ़िया बढ़िया। कार्यक्रम के दूसरे चरण में महिलाओं के लिए विभिन्न स्पर्धाएं हुई जिसमें श्रेष्ठ मेहंदी श्रेष्ठ करवा थाली श्रेष्ठ श्रृंगार जैसी स्पर्धाएं हुई। स्पर्धा में सर्वश्रेष्ठ रहने वाली महिलाओं को उपहार दिए गए। इस अवसर पर डिजियाना समूह के निदेशक श्रीमती किरण कौर घुम्मन और श्रीमती पूनम कौर घुम्मन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही जिन्होंने विजेता महिलाओं को सम्मानित भी किया। श्री वैष्णव धाम में जागृति महिला मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम की विशेषता ये रहती है कि यहाँ रीति रिवाजों के साथ कार्यक्रम संचालित होते हैं ताकि पर्वों की परंपराओं को कायम रखा जा सके। हमारी यहाँ हमेशा सही 19 साल से पिछले करवा चौथ का आयोजन किया जा रहा है लेकिन हमारा जो आयोजन होता है वो धर्म से जुड़ा हुआ होता है। हमारे यहाँ दीप प्रज्वलन होता है और कोई भी डांस हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता फिल्मी धुन पे और बेस्ट करवा चौथ का भी अवार्ड दिया जाता है। मिसेस करवा चौथ का अवार्ड भी दिया जाता है यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और उसमें हम डायमंड रिंग देते हैं बेस्ट थाली बेस्ट मेहंदी और गिफ्ट्स बहुत सारे दिए जाते हैं और तंबोला का भी आयोजन किया जाता है। श्री वैष्णव धाम करवा चौथ महोत्सव में यहाँ पर बहुत ही आलीशान और भव्य आयोजन का रखा हुआ प्रावधान। यहाँ पर बड़े अच्छे ट्रूप्स आए हुए हैं जो गणेश वंदना से लेकर कठपुतली शो से लेकर बहुत ही शानदार यहाँ पर प्रस्तुति प्रदान कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर बम्पर तंबोला का भी राउंड है जिसमें बहुत ही शानदार गिफ्ट्स यहाँ पर कंटेस्टेंट्स को दिए जाएंगे। साथ में यहाँ पर मिसेस करवा चौथ बेस्ट थाली बेस्ट मेहंदी इसका भी आयोजन है जिसमें लकी ड्रॉ में डायमंड रिंग श्रीमर की तरफ से स्पॉन्सर की गई है और बहुत ही शानदार यहाँ पर गिफ्ट्स प्रदान किए जाएंगे और बहुत सारे सरप्राइज यहाँ पर क्विजेस क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू महिला करवा चौथ जिसमें महिलाएं बहुत ही जोर शोर से पार्ट ले रही हैं। मेरी उम्र को देखकर आप तकाजा लगा सकते हैं कि मैं सरस्वती की दया से इतना अच्छा गाती हूँ। ये करवा चौथ के त्यौहार पे ये सिर्फ कथा के लिए मुझे बुलाया जाता है और कथा मैं इतने अच्छे से कराती हूँ। इसको करक चतुर्थी भी कहते हैं मकर चतुर्थी भी कहते हैं गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। हर चतुर्थी का अपना उपवास है। ये करवा चौथ का मतलब ये है करवा मतलब मिट्टी से बने हुए दिए। इनकी चतुर्थी के दिन पूजा की जाती है इसलिए ये पतिव्रता स्त्रियाँ सुहागने स्त्रियाँ बहुत शौक से मनाती हैं। खूब सुंदर होकर तैयार होकर अपना भजन कीर्तन करके कथा सुन के ताली सुना के बिल्कुल और सुना आज आयोजन बहुत अच्छा किया हुआ है। बहुत लोग आने वाले हैं अभी तो बहुत कम लोग आए हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम हैं दो तीन प्रोग्राम तो हो चुके हैं। बम्पर तंबोला भी होगा कथा भी होगी डांस भी होंगे और कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे जिसके लिए भी गिफ्ट दिए जाएंगे ना। ये हम करवा चौथ जो है 16 साल से मना रहे हैं और बहुत उन्नति कर रहे हैं। आगे हम थोड़ी स्केल पर मनाते थे अब तो हजारों लोग हमारे पास आते हैं कथा सुनने के लिए। वहीं करवा चौथ के मौके पर श्री वैष्णव धाम मंदिर को भी विशेष रूप से सजाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट डिजियाना न्यूज़ इंदौर।